बागपत जनपद में जिले के टॉप 10 बदमाश और कई बड़े गिरोह अब पुलिस के निशाने पर हैं। नए कप्तान अभिषेक सिंह के आने के बाद से जनपद बागपत में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। बागपत में रविवार को थाना बिनोली इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच दूसरी मुठभेड़ हुई। इसके दौरान बागपत पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि कुछ घंटे पहले ही बागपत के सिंगावली आयुक्त थाना इलाके में मुठभेड़ के दौरान एक 25,000 का नामी बदमाश और हिस्ट्री शीटर शान मोहम्मद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब थाना बिनोली इलाके के ग्वालीखेड़ा नहर पुलिया के पास पुलिस और बदमाशों के बीच दूसरी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जो कि जनपद बागपत के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाशों के पास से पुलिस ने एक पिस्टन, 32 बोर का खोखा, जिंदा कारतूस, एक तमंचा नाजायज बरामद किए हैं। अभियुक्त उपेंद्र शातिर किस्म का लुटेरा बताया गया है, जिस पर जनपद बागपत, मेरठ व गाजियाबाद में लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर गुंडा एक्ट आदि के करीब 19 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पकड़े गए दूसरे बदमाश निट्टू के विरुद्ध भी मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पकड़े गए दोनों अभियुक्त के विरुद्ध बिनोली थाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया व कार्रवाई की जा रही है। नवभारत समाचार बागपत उत्तर प्रदेश से प्रदीप यादव। थाना बिनोली क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर इंस्पेक्टर बिनोली अपनी टीम के साथ सिल्वर नगर वाली छिड़ा नहपुलिया के पास चेकिंग कर रहे थे। वहाँ पर दो लड़कों से रोकने का प्रयास किया गया, रोके नहीं और फिर उनके साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें से दोनों बदमाश घायल हुए हैं। दोनों बदमाशों के पास से एक बदमाश उपेंद्र है, जिसके ऊपर करीब 18-19 मुकदमे हैं। उसके पास से 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है। दूसरा लड़का नीटू है, इस पर 3 मुकदमे का है। उसके पास से तमंचा बरामद हुआ है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई।